ऑफ नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड्स। नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड्स के अभी सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। सेकंड मेथड है जनरेटर मैट्रिक्स मेथड। जनरेटर मैट्रिक्स मेथड में हम लोग को रोज फाइंड करने होते हैं, जी जो जनरेटर मैट्रिक्स है उसके रोज फाइंड करने होते हैं। और रो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, आर आई इक्वल टू एक्स रेस टू के माइनस आई जी ऑफ एक्स। अभी इसमें जो के है अपना मैसेज बिट, और आई कभी तक जाएगा, आई जाएगा 1 to k, मतलब जितने मैसेज बिट्स है, 4 मैसेज बिट्स है तो 4 रोज बनेंगे। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, मैसेज बिट्स दिया अपने को 1011 और एक जनरेटर पॉलिनॉमल दिया है x³ + x+1। तो अभी करना क्या, अपने को रोज फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट फाइंड करते हैं ये आर आई के हिसाब से R1। R1 फाइंड करने के लिए लिखेंगे R1 x⁻ k-i। अपना k कितना है, 4, 4 मैसेज बिट्स हैं, और आई कितना है, फर्स्ट आई 1 चल हो रहा है फर्स्ट, तो 4 - 1, 4 - 1 होता है x³, 4 - 1 3 इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है अपना, x³ + x+1, ये हो गया अपना जी ऑफ एक्स। अब इन लोग को मल्टीप्लाई करना है, R1 = x³ × x³, x⁶, x⁶, x³ × x + x⁴ प्लस x³। ये अपना बन गया फर्स्ट रो। अभी इसको कोड वर्ड कोड में लिखते हैं, मतलब बाइनरी में लिखते हैं कैसे होगा। बाइनरी में होगा R1 = x³ के लिए 1, x⁵ नहीं है 0, x⁴1, x³ के लिए 1, और फिर x³ नहीं है, x⁻¹ नहीं है, और x⁻₀ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 डिजिट्स का अपना कोड वर्ड। ये हो गया फर्स्ट रो। अभी ऐसे ही अपने को फाइंड करना है सेकंड रो। R2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, R2 = x⁻k-i, 4 - 2। अभी R2 लिख रहे हैं, 4 - 2 होता है x² इंटू जी ऑफ एक्स, x³ + x+1। फिर अपना आंसर आएगा x⁵ + x³ + x² x⁵ x³ + x² तो R2। R2 को भी कोड में लिखते हैं कैसे बनेगा। x⁵ के लिए 1, x⁵ के लिए 1, x⁴ के लिए 0, x⁴ के लिए 1, x⁴ के लिए 1, x⁴ के लिए 1, x⁴ के लिए 0, x⁴ के लिए 0, x⁴ के लिए 0। अभी हम लोग देख सकते हैं ये अपना कोड है 1 2 3 4 6 डिजिट्स का है, लेकिन अपना जो जनरेटर पॉलिनॉमियल ये 7 4 4 के लिए, तो इसलिए फर्स्ट स्टार्टिंग में 0 आएगा। फर्स्ट रो 7 बिट्स का है, सेकेंड रो भी 7 बिट्स का होगा, इसे स्टार्टिंग में 0 आएगा। ये x⁶ वाला टर्म, x⁵ वाला टर्म, x⁴, x⁴3, x⁴2, x⁴1, x⁴0 वाला टर्म, तो ऐसे बनेगा। अभी अभी अपने को बनाना है सेकेंड रो हो गया, अभी अपने को बनाना है थर्ड रो। तो R3 के लिए लिखते हैं, R3 क्या होगा, x⁻k-i, k अपना 4, 4 - 3, x⁻¹ इंटू जनरेटर पॉलिनोमियल x³ + x+1। अभी इसका लिखते हैं x⁻ × x³, x⁴ + x² + x। अभी इसका कोड वर्ड लिखते हैं। अभी इसका कोड वर्ड कैसे आएगा, कोड वर्ड आएगा x⁴ के लिए 1, x⁴ के लिए 0, x⁴ के लिए 1, x⁴ के लिए 1, x⁴ के लिए 0। 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, मतलब स्टार्टिंग में 2 और 0 चाहिए। तो ये x⁶, x⁵, x⁴ से चालू होगा। ऐसे अपना थर्ड कॉलम बना, थर्ड थर्ड रो बोला, सॉरी बाय मिस्टेक, थर्ड रो। अभी अपना फाइनल रो, क्योंकि अपनी मैट्रिक्स मैसेज बिट्स है 4 डिजिट्स के, तो R4 बनेगा, R4 = x⁴ - 4, तो
बनता है एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू जीरो इंटू एक्स जी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अभी एक्स रेस टू जीरो की वैल्यू हमेशा वन ही होती है, तो आर फोर बनेगा अपना एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अभी इसको लिखते हैं कोड वर्ड फॉर्म में, कोड फॉर्म में एक्स क्यूब के लिए वन, एक्स स्क्वायर नहीं है जीरो, एक्स रेस टू वन के लिए वन, एक्स रेस टू जीरो वन। अभी इधर 4 बिट्स का है, अपने को 7 बिट्स का चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में 3 0, ये बना अपना फोर्थ रो। अभी अपन बना रहे जी मैट्रिक्स, तो जी मैट्रिक्स बना रहे तो जी मैट्रिक्स का फॉर्म पूरा लिख लेते हैं जो अपने को रोज मिले हैं। तो फर्स्ट रो अपने को मिला 1011000, 1011000। सेकेंड रो मिला 01100, थर्ड रो अपने को मिला 0010, 0010, 110, फाइनल रो मिला अपने को 0010011। ये वो बन गया अपना जनरेटर मैट्रिक्स। अपने को फाइंड क्या करना है, अभी कोड वर्ड फाइंड करना है। तो कोड वर्ड कैसे बनता है, सी इक्वल टू, कोड वर्ड के लिए मैसेज दिया अपने को क्वेश्चन में 1011, 1011 इंटू जनरेटर मैट्रिक्स। अब ये पूरी जनरेटर मैट्रिक्स फिर से लिखने की है, 1000010011001001001, ये जनरेटर मैट्रिक्स अपन ने लिख ली। इसके बाद क्या करना है, जिधर जिधर वन है उसकी पोजिशनिंग मार्क करती है, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ डिजिट पे वन है। अभी ये साइड भी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ डिजिट पे वन है। अभी करना क्या है, इन तीनों को अभी बाहर निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, बाहर निकाल के लिखना है फाइनल कोड वर्ड फाइंड करने के लिए, 1011000, फिर थर्ड वाला 0010110, फिर फाइनल वाला 0001011। और इन सब के बीच एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। 00 का एक्सओआर होता है 0, 01 का 1, 01 का 1, 11 का 0, 01 का 1, 10 का 1, 01 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 11 का 0, 11 का 0, 00 का 0, 00 का 0, 00 का 0, 10 का 1, 10 का 1। तो ये बन गया अपना फाइनल कोड वर्ड जनरेटर मैट्रिक्स मेथड से।